नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। टोक्यो ओलंपिक्स 2021, उम्मीदें, जी हां, उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले दिन जिस तरह से मीराबाई चानू ने सिल्वर अपने नाम किया, उसके बाद अब कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर रहे हैं और अब इनसे उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर कौन से हैं वो चेहरे जिनसे भारत को पदक की उम्मीदें हैं और क्या वो करिश्मा कर सकते हैं अपनी प्रतिभा के दम पर, आइए जानते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, जी हाँ, जैसे जैसे टोक्यो ओलंपिक आगे बढ़ रहा है, भारतीयों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे ओलंपिक वीर हैं जिनसे पदक की आस है, जिनसे पदक की उम्मीद है। जी हाँ, मीराबाई चानू ने ओलंपिक के पहले दिन वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोल दिया था। चानू इस साल टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो देश के लिए पदक जीतने वाली इकलौती खिलाड़ी हो। जी हाँ, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे पदक की उम्मीदें हैं। आइए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं और वो कौन से खेल हैं जिनसे भारत को पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। भारत की स्टार महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी, जी हाँ, दीपिका कुमारी व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। दूसरे दौर में दीपिका ने अमेरिका की जेनिफर फर्नांडिस को कड़े मुकाबले में 6-4 से हराते हुए तीसरे दौर में जगह बनाई है। पहले दौर में दीपिका ने भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया था। वहीं अगले खेल की बात करें तो रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने अपने खेल के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए महिला एकल बैडमिंटन स्पर्धा के प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को सीधे गेम में हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु की 6 मैचों की 5वीं जीत है। सिंधु पर काफी उम्मीदें हैं और उनसे पदक की उम्मीद है। दो बार की एशियाई चैंपियन भारतीय मुक्केबाज पूजा राय ने बुधवार को ओलंपिक खेलों में पदार्पण करते हुए शुरुआती मुकाबले में अल्जीरिया के इजरक चायब को 5-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। पर इसके साथ ही बॉक्सर पूजा रानी ने अंतिम 8 में जगह बनाई है और भारत को इनसे पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं भारत के बॉक्सर सुपर हैवीवेट सतीश कुमार ने 91 किलो वर्ग के अंतिम मुकाबले में जबरदस्त मुकाबला किया और जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही सतीश कुमार अंतिम 8 में पहुंच गए हैं और वो मेडल जीतने से बस एक कदम दूर हैं। और सतीश से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। और आपको ये भी बता दें कि सतीश कुमार भारत के पहले सुपर हैवीवेट ओलंपिक मुक्केबाज हैं। वहीं भारत के स्टार तीरंदाज अंतनु दास दूसरे दौर के बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया के ओ जिन हयोक को शूट ऑफ में हरा चुके हैं। इससे टोक्यो ओलंपिक के पुरुष स्पर्धा के तीसरे दौर में वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। वहीं अगर अगले खेल की बात करें तो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम इंडिया ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। भारत की तरफ से वरुण कुमार, विवेक सागर प्रसाद और हरमनप्रीत सिंह ने गोल दागे हैं और ऐसे में अब भारतीय टीम से ओलंपिक में पदक की बड़ी उम्मीदें हैं। कुल मिलाकर ये वो खेल हैं और खिलाड़ी हैं जिनसे भारत को पदक की उम्मीद है। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन खिलाड़ियों से देश को विश्वास है, उम्मीद है और सभी की ये इच्छा है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत अच्छा प्रदर्शन करे और भारत स्वर्ण पदक जरूर जीते। तो हमारी भी इन खिलाड़ियों से यही उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अलावा भी देश दुनिया की ताजा इन खबरों को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को अगर पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया, मनोरंजन और हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचेगा। तो हमारे इस खबर के साथ अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।